आम आदमी पार्टी अपने खास सगल में खुद ही फंस चुकी है। उसके नेताओं का यह पसंदीदा काम है कि कभी भी किसी पर भी जो मन में आए वो आरोप बिना किसी सबूत के लगा दो और जब मामला बढ़े या कोर्ट तक पहुंचे तो रोते हुए माफ़ी मांग लो। लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब की बार शायद माफ़ी से काम ना चले। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की पत्नी रिंकू भुइयां शर्मा ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मानहान का केस दर्ज करा दिया है। गुवाहाटी कामरूप सिविल जज की अदालत में मानहान का सिविल केस दर्ज कराते हुए 100 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की गई है। सिसोदिया ने कोविड महामारी के दौरान असम में पीपीई किट की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप शर्मा पर लगाया था। इस विवाद की शुरुआत वामपंथी प्रोपोगेंडा पोर्टल की एक रिपोर्ट से हुई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि कथित तौर पर रिंकी भुइयां शर्मा के मालिकाना हक वाली एक कंपनी को कोरोना से निपटने के लिए पीपीई किट और दूसरे कोविड से जुड़े सामानों की आपूर्ति का ऑर्डर मिला था। तब सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री और हिमंता बिस्व शर्मा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि शर्मा की पत्नी की कंपनी को बिना किसी अनुभव के ही 5000 पीपीई किट, मेडिकल उपकरण और अन्य सुरक्षा सामानों की आपूर्ति का ऑर्डर दिया गया था। इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर सिसोदिया ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हालांकि रिंकी शर्मा ने तुरंत ही आरोपों का खंडन करते हुए कहा था कि उन्होंने मानवता के नाते बिना एक पैसा लिए पीपीई किट की मुफ्त आपूर्ति की थी। बता दें कि हिमंता बिस्व शर्मा ने आप नेता की ओर से आरोप लगाए जाने के बाद कहा था कि वो लीगल एक्शन लेंगे। अपने स्पष्टीकरण में असम के मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब पूरा देश 100 साल में सबसे खराब महामारी का सामना कर रहा था, असम के पास शायद ही कोई पीपीई किट थी। मेरी पत्नी ने आगे आने का साहस दिखाया और 1500 पीपीई किट सरकार को दान किए। उसने एक भी पैसे नहीं लिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए शर्मा ने कहा कि पीपीई किट सरकार को दान किए गए थे और उनकी पत्नी की कंपनी ने इसके लिए कोई बिल नहीं दिया। सिसोदिया ने जेसीबी इंडस्ट्रीज का बिल टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा था, माननीय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा जी, या आपकी पत्नी को जेसीबी इंडस्ट्रीज के नाम से 900 रुपये प्रति किट के हिसाब से 5000 किट्स का ऑर्डर है। मुझे बताइए, क्या यह कागज झूठा है? क्या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में अपनी पत्नी को ऑर्डर देना भ्रष्टाचार नहीं है? वहीं मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकू भुइयां ने सिसोदिया के आरोपों पर स्पष्टीकरण देते हुए लिखा था कि महामारी के पहले सप्ताह में असम के पास एक भी पीपीई किट नहीं था। इसका संज्ञान लेकर मैं एक कारोबारी परिचित के पास पहुंची और बहुत प्रयास से 1500 पीपीई किट्स भेजा। बाद में मैंने एनएचएम को इसे मेरे सीएसआर के तहत समझने को कहा। मैंने इस आपूर्ति के लिए एक भी पैसे नहीं लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।